श्री किसान भाइयों नमस्कार, मैं जसवीर जमोला आज एक बार फिर पहुंचा हूं जींद मार्केट में और यहां पर आपने दिखाऊंगा बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है भाई, जो कि बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है आपको। ये नया ट्रैक्टर नहीं है भाई, 1993 का मॉडल है, जो इसको मॉडिफाई करके एक नया लुक दे दिया, बिल्कुल भाई फार्म ट्रैक जैसा दिखाई दे रहा है आपको। जो इसके अंदर पार्ट्स लगे हैं, कितना इसके ऊपर खर्चा आया, वह पूरी जानकारी प्राप्त कराएंगे। ट्रैक्टर पर जो जो पार्ट चेंज हुए हैं उनके बारे में एक बार डिटेल से बता दूं भाई। जो कि टायर आप देख रहे हो, जो कि बीकेटी के टायर डलवाए, बीकेटी के टायर डलवाए तो इसका मतलब घर पे यूज करने के लिए डलवाए हैं, दिखाने के लिए नहीं डलवाए हैं। इस ट्रैक्टर को नया लुक इसलिए दिया है ताकि इससे आगे भी भविष्य में वो काम करते रहे। और जमींदार इसका इंजन है, इसका इस पर पैसे लगाए, हमें इतना विश्वास था जमींदार को। पिछले भी नए हैं और अगले भी नए हैं। ये अल्टीनेटर मोटर है, ये भी बिल्कुल नहीं है भाई। और साथ में ये जो लाइट देख रहे हैं, एलईडी लाइट देख लो भाई, कितना खर्चा कर दिया है। दोनों लाइट नई लगी हैं, ये हैवी बम्पर लगा दिया है भाई। और ये भी अगला टायर नया है, पिछला फोर चारों के चारों टायर नए डलवा दिए हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं जी। विक्रम सिंह खटकड़। विक्रम सिंह खटकड़ जी, तो आपका गाँव खटकड़ जी? हाँ जी। तो ये आपने तैयार किया ट्रैक्टर जी? हाँ जी। तो जी ये किस टाइम आया था अपने पास जी? अपने पास ये 1.5 महीना पहले आया। अच्छा, तो कैसे हालात थे जी अब उसके? वहाँ बिखरा हुआ था। अच्छा, जर्जर भी था जी? हाँ जी, टूटा फूटा हुआ था। हाँ, टूटा फूटा हुआ था। तो कितना, 1.5 महीना लग गया इसको तैयार करने में? हाँ जी, 1.5 महीना। और ये जमींदार ने क्यों तैयार करवा दी, दिखावटी के लिए या फिर काम करने के लिए? शौक के लिए। शौक, शौक पर पैसा लगा दिया पूरा जमींदार भाई ने। कहाँ का ट्रैक्टर भाई जी हो? ये बदौड़ का। बदौड़ गाँव से? हाँ जी। अच्छा, अगर कोई और भी भाई आपसे तैयार करवाना चाहे जी, तो उसके लिए एक तो फ़ोन नंबर बता दो और अपनी शॉप का नाम बता दो। किसान वर्कशॉप जींद के अंदर भाई, मिस्त्री साहब का नाम क्या है जी? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, तो नरेंद्र जी का नंबर बता दो जी। 99915 98 978 78 687 687। यो नरेंद्र जी का नंबर है भाई, मिस्त्री साहब हैं, पूरा एस्टिमेट बता देंगे। तो संपर्क कर लियो अगर आपको भी ऐसा ट्रैक्टर तैयार करवाना है। पशुपालक साथियों, क्या आप भी अपने पशुओं की लेवटी बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप उनसे और अधिक दूध प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप अपने पशु के लिए 7 महीने की ज्ञापन होते ही पशु को सुबह शाम 10-10 ml राइट एज पिलाएं। इससे आपका पशु और अधिक सुंदर दिखेगा। राइट एज को आप सभी मेडिकल स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 7890042000 पर संपर्क करें। धन्यवाद। विक्रम जी, एक बार ये बता दो क्या क्या इसके अंदर चेंज हुआ है? इसमें जी सेट वाला हिस्सा लग गया। सेट वाला ये? हाँ जी, एक्सल जो बोलते हैं। हाँ, ये एक्सल है, देख लो पूरा मजबूत एक्सल लगा दिया। सेट फार्म ट्रैक सेट वाला? फार्म ट्रैक सेट वाला। अच्छा अच्छा, सिंपल स्टीयरिंग हो गया इसमें? सिंपल स्टीयरिंग हो गया। हाँ जी। टायर चेंज हो गए जी? टायर चेंज हो गए। और तो बम्पर लगा दिया? ये अभी बम्पर लग गया भाई। कितने किलो का जी ये? जी लगभग 85-90 किलो का। 85-90 किलो का ये बम्पर लगा दिया, बिल्कुल हैवी बम्पर है भाई। और कलर मैच कर दिया बिल्कुल फॉरवर्ड के साथ। हाँ जी। ये अगला टायर भी नया हो गया। और ये लाइट बताओ जी, ये भी काफ़ी अच्छी लाइट है जी। ये एलईडी लाइट लगाएंगे। एलईडी लाइट? हाँ जी। तो इसका कितना ही पड़ा एक लाइट जी? एक लाइट 3000 रुपये। 3000 रुपये की ये लाइट है एलईडी, क्योंकि बहुत देखने में बहुत बड़ी है, तो रोशनी भी अच्छी होगी इसकी, बहुत अच्छी। तो जैसे कई बार क्या होगा जी, कई बार ये डम पड़ जाए हमारी लाइट, तो ये डम नहीं पड़ेगी? नहीं जी, नहीं नहीं, रोशनी कम कर जाए कई जगह जी? नहीं जी, नहीं डम नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा, और क्या चेंज हुआ जी इसमें? इंजन में क्या क्या चेंज हुआ जी इसका? इंजन इसका शील्ड है। इंजन शील्ड है बिल्कुल। और जो इसके बाहर ले एक्सटर्नल पार्ट है जी, जैसे वाटर स्प्रेटर लगा दिया? हाँ हाँ जी। ये बैटरी बॉक्स नया लगा दिया? बैटरी बॉक्स नया लगा दिया जी। जो भी वायरिंग ट्रैक्टर लगभग सभी नई दिखाई दे रही है जी, वायरिंग भी काफी सभी चेंज कर दिया नई वायरिंग बिल्कुल। T20 वाले पैडल लगे? पैडल लगे, पैडल। और ये भी देख लो, मेसी वाली रेस लगा दी। मेसी की रेस लगी भाई इस पर। फ्लूइड वाली टंकी होगी, मीटर सेट वाला नया मीटर लगा दिया है, स्टेयरिंग नया लगा दिया है भाई। और मिरर आप देख रहे होगे भैया, भी नया है। ये मुर्गाड़ बोलते हैं, फुटर बोलते हैं, भी चेंज हो गए हैं। जो लाइट आप देख रहे हो फार्म ट्रैक साइड, एलईडी लाइट है भाई फार्म ट्रैक साइड वाली। और ये ड्राइवर एरिया में जी, ये नया मॉडल के सारे नए मॉडल के हैं भाई, लगभग हर बहुत ज़्यादा पार्ट चेंज हो रहे हैं। जैसे ये जी, ये भी नया, ये भी नए, ये भी नए हैं। और ये इसकी सीट भी नई है जी। तो भाई ये देख लो, सारा चेंज कर दिया। पीछे का हिस्सा देख लो आप,
ये भी लाइट नहीं है, ये भी लाइट नहीं है, ये भी नया है भाई। पीछे के डिस्क ब्रेक हो गए, पीछे के डिस्क ब्रेक कर दिए टायर जी, डिस्क ब्रेक कर दिए भाई दोनों के दोनों। ये लो चेंज कर दिया, चेंज हो गया जी। ये देख लो सेट वाली, सेट वाली पूरी लिफ्ट सेटिंग कर दी जी। करियो के पाबंद काम दे, जो दे रहे हो पीछे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया भाई, जो कितना हैवी तो ये हुक लगा दिया है। और लिफ्ट है फार्म ट्रैक सेट वाला पूरा सेट, हाँ जी जैक्स में पूरा सेट फार्म ट्रैक सेट वाला है। लगभग आइटम जो इसमें लगे हैं फार्म ट्रैक सेट के लगे हैं। और ये देख लो टूल बॉक्स भी है, कितना अच्छा टूल बॉक्स है। और ये बम्फर वाली पाइप, और ये फिर इस साइड का एरिया देख लो भैया भी, और ये साथ के साथ भाई ग्रिप पकड़ने के लिए, और ये चढ़ने के लिए भी कितना अच्छा बना दिया है। तो ऊपर से भी बहुत अच्छा हो गया बैठने का एरिया जी, तो काफ़ी मज़ा आएगा इस ड्राइवर को, आपको एक तरीके से नया ट्रैक्टर ही लगेगा। तो अभी इसके जाना है भाई, कितना खर्चा हुआ है, कितना किसान ने खर्चा उठाया भाई पुराने ट्रैक्टर पर, इतना पैसा लगाया तो किस लिए लगाया है भाई, तो काफी चीज इसमें को अलग देखने को मिलेंगे। तो विक्रम जी इसको जैसे कितना खर्चा गया जी किसान का? इसका 2,35,000 आएगा सर, 2,35,000 रुपए इस पर ट्रैक्टर पर खर्चा आ गया। उसमें आपने देख लिया कितने पार्ट चेंज हो रहे हैं, और पेंट की बताओ जी, पेंट कोबरा पेंट लगवाया, कोबरा पेंट हाँ जी, इस ये अलग से करवा जी पूरा, हाँ जी अलग से करवाइए। और ये जी बॉडी का जो जी, बॉडी का सारा कोबरा पेंट, सारा कोबरा पेंट यूज कराया भाई। तो इसके हालात बहुत बेकार थे, जैसे ये ट्रैक्टर दिख रहा है ना आपको, इस तरह था सर, इस तरह की कंडीशन में था ट्रैक्टर। अरे आप देख लो भाई कितना प्यारा लुक हो गया है। तो भाई विक्रम जी बहुत मेहनत से काम करा आपने, काफ़ी अच्छा इसको शानदार तैयार कराया है। अगर कोई और भाई भी इसको तैयार करवाना चाहे जी, तो कैसे संपर्क करें जी, किस टाइम आप उसको तैयार हो बनाने के लिए जी? एक महीने में तैयार करके दे दूँगा, एक महीने के अंदर जी। तो आपने इससे पहले और भी ट्रैक्टर तैयार करे हैं जी? हाँ जी बहुत ट्रैक्टर तैयार करे। अच्छा अच्छा जी, तो अब आप संपर्क कर लियो, नरेंद्र जी का नंबर भी दे देंगे भाई साहब, आप उनसे संपर्क करके अपनी बुकिंग लिस्ट को किस समय तैयार हूँ उपलब्ध करने के लिए। तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर तैयार कर दिया भाई, 3600 करोड़। कौन सा मॉडल है ये जी? ये 93 मॉडल, 1993 मॉडल है भाई। ये देख लो बहुत पुराना है, इसका इंजन मजबूत था तभी किसान ने इस पर खर्चा कराया भाई, ना तो इतना खर्चा कोई नहीं लगाता जी सर, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर आए हैं उनमें लीकेज वगैरह दिक्कत आ, इंजन बिल्कुल शील्ड है 1993 से अब तक। तो देख लो काफ़ी अच्छा काम कर दिया है। ये ट्रैक्टर तो आपने देख लिया भाई मॉडिफाई, और इस ट्रैक्टर की 1993 मॉडल है, इंजन बिल्कुल साथ का है, ओके है। तो इसका साउंड और दिखाऊंगा आपने कैसा नज़र आ रहा है स्टार्ट होने बाद। करियो भाई साहब स्टार्ट, वही साउंड है, अपना पुराना अंदाज वाला, कितना प्यारा साउंड है इसका, लोग साउंड हो गए ना, इसी पर लोग हो रहे हैं, तो साउंड पर ही दुनिया बहुत ज़्यादा है।